आप ये जो देख रहे हैं ये स्टैच्यू ऑफ रिमेम्बरेंस है। अभी मैं लग्जमबर्ग सिटी में खड़ा हूँ और लग्जमबर्ग सिटी लग्जमबर्ग की राजधानी है। आज हम इस शहर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सामने जो आपको दिख रहा है ये कैथेड्रल नोटरडाम है, जो लग्जमबर्ग का एक मेन अट्रैक्शन है। अभी हम उसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली अंदर जाने का जो एंट्री है वो एब्सोल्युटली फ्री है। सो जो भी दर्शक अंदर जाना चाहते हैं उनको कोई टिकट कर नहीं लेना पड़ेगा। खैर हमारा ये अनफॉर्चुनेट टाइम है, अभी हम अंदर जा रहे हैं लेकिन यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है। जैसे आप देख सकते हो बारिश हो रही है। वी ट्राई आवर बेस्ट टू गो हाइड आवर सेल्फ बट वी वांट टू सी दिस द मोमेंट वी विल गो इनसाइड। अभी मैं कैथेड्रल नोटरडाम के अंदर हूँ। मैं अभी आपको यहाँ पे अंदर का सीनरी दिखाने जा रहा हूँ। एंट्रेंस पे ही देखिए प्लेस है जहाँ पे जो भी इस फेथ में बिलीव करते हैं दे कैन पुट देयर कैंडल्स हियर एंड दिस इज वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट लग्जमबर्ग सिटी के अंदर। बेसिकली यहाँ पे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ज़्यादा नंबर में है। आज से लगभग 400 साल पहले इस कैथेड्रल को बनाया गया था। क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ वीडियो शूट कर सकूँ। सभी देख सकते हैं लोग भी यहाँ पे पुटिंग सम मनी टू बाय द कैंडल्स। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। बीच में मदर मैरी है और जीसस क्राइस्ट है। लोग यहाँ पे बैठे हैं और दे आर डूइंग प्रेयर्स। मैं अभी कैथेड्रल के पीछे वाले पोर्शन में आ रहा हूँ। यहाँ भी काफ़ी सिटिंग एरिया है, आप देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हो दीज आर बेसिकली अ प्रेइंग प्रेयर बॉक्सेस। दीज आर प्रेयर बॉक्सेस जहाँ पे कोई भी लोग जिनको यहाँ के जो पादरी हैं उनसे अगर उनको कुछ सवाल जवाब करना होता था या पूछना होता था अपने बारे में बताना होता था लेकिन द सिटी इनसाइड लेकिन आज ऐसा पुराने जमाने में होता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन की हुई है। जो नक्काशी है मेरठ पे वो भी वन ऑफ द बेस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ से काफी अच्छा व्यू आ रहा है। सो कैथेड्रल नॉर्थ डॉन चर्च के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन को मूव कर रहे हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ का ला पासले ब्रिज है, जो वन ऑफ द फेमस पॉइंट है जहाँ पे जो दर्शक है वो आके देख सकते हैं। ये बेसिकली 19th सेंचुरी में बना था टू जस्ट ब्रिज बिटवीन द वैली हियर। जो यहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हो ये बेसिकली वन ऑफ द पैलेस इसका टावर मुझे नज़र आ रहा है। ये टावर लॉ पॉन्स के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन जहाँ हमारा प्लान है कि हम आज जा सकें। देखते हैं आज हम जा पाते हैं कि नहीं। काफ़ी बारिश भी हो रही है फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं।
अभी हम उस ब्रिज के नीचे जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लग्जमबर्ग का फ्लैग है, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए बेसिकली ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया से आप लेफ्ट एंड देन अंडरग्राउंड वॉक होगा। बेसिकली इस ब्रिज के आगे रेलवे स्टेशन भी है, जो यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है, दैट कैन बी ऑल्सो कनेक्टेड। फाइनली हम सभी अब ला पैरिस ले ब्रिज के नीचे से वॉक कर रहे हैं। इट्स अ गुड व्यू बेसिकली। यहाँ से अच्छा व्यू है ना बेटा, देखो वैली का नीचे का। हाँ चलो आगे चलते हैं। बारिश भी अब तक खत्म नहीं हुई है, बारिश तो खत्म ही नहीं हुई है। हाँ ब्रिज तो खत्म हो गया यहाँ पे। सो ब्रिज के टूर के बाद अब हम दूसरी साइड को जा रहे हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूँ सामने मुझे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग दिख रहा है, जो ब्रिज के जस्ट एडजेसेंट में है, बगल में है। शायद ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। शायद मुझे भी नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन ब्रिज के दूसरी साइड से इसका काफी अच्छा व्यू आता है। अगर आप सीधा इस रास्ते को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आगे आप मेन रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, बट हम इधर नहीं जाके हम दूसरी साइड को जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ का कैसल्स देखना है और काफी अदर अट्रैक्शंस को हमें फॉलो करना है। मैं अभी नीचे से वॉक करके ऊपर आया और मैं यहाँ से आपको जो लग्जमबर्ग सिटी है उसका मेन सिटी सेंटर है, जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, वो दिखाना चाहूँगा। ये लग्जमबर्ग सिटी का जो सिटी सेंटर है, इसका जो लोकेशन है, बेसिकली एक तरह से माउंटेन के एलिवेटेड पॉइंट पे है, जो कि ये ब्रिज जो है ला पासाले बीच इसको कनेक्ट करता है, इसकी वैली को कनेक्ट करता है। आप पीछे देख सकते हैं जहाँ हम जा चुके हैं, कैथीड्रल नॉट्रेडम। अभी इसका एक अच्छा व्यू है जो आप देख सकते हो, और मैं अभी वॉक कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ से वैली दिखाना पसंद करूँगा। आप देख सकते हैं जो यहाँ की रिवर है नीचे, लग्जमबर्ग रिवर, वो बह रही है और इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, जो 19th सेंचुरी का एक बड़ा ब्रिज है, जो स्टोन्स को यूज़ करके बनाया गया था। लग्जमबर्ग को एक्सप्लोर करने का मेन मकसद था यहाँ के हम देखें कि यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसी है। जैसा कि मैं आपको बनाना चाहूँगा, लग्जमबर्ग दुनिया का सेकेंड सबसे रिचेस्ट कंट्री है और पर पर्सन कैपिटल इनकम यहाँ पे लगभग $140,000 है, जो आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है यूएस के बाद। आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि यूएस से, लग्जमबर्ग वुड बी द फर्स्ट नंबर वन, नॉट यूएस ऑल्सो। द मेन रीजन है यहाँ की जो इकॉनमी है वो बैंक पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े बैंक्स हैं, मोर देन 100 बैंक्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जिनका सारा कारोबार पूरी दुनिया के लिए है। एंड ये कंट्री चूँकि कॉमोडिटी लाइक सिल्वर, गोल्ड और स्टील कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, फिर भी यहाँ के जो ट्रेडिंग कंपनीज है काफ़ी फेमस है दुनिया में, और
दुनिया के मार्केट का सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पोर्शन कैप्चर किए हुए हैं। इस कारण से यहाँ वेल्थ काफ़ी है, लोगों पास काफ़ी पैसा है। अब हम दी बॉक एंड कैसमेट एरिया में जा रहे हैं, जो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जो यहाँ पे यहाँ के प्रोमेंट्री एरिया पे स्थित है, जो लगभग 1000 साल पुराना है। अभी उनके रूइंस पड़े हुए हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हम उसको अभी एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले मैंने देखा है कि सामने में कुछ बिल्डिंग मुझे दिखी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वॉक करने के दौरान ये बिल्डिंग हमें दिख रहा है, आउटसाइड ये लिखा हुआ है चैम्बर डेस डेप्यूट्स। आई बिलीव ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राइट। अब आगे चलते हैं। तो सामने दीपक एंड कैसमेट का एरिया दिख रहा है, जहां हमको समय बिताएंगे। जैसे मैंने बताया कि लग्जमबर्ग सिटी का जो मेंटोरी एरिया है, जो टॉप ऑफ द एरिया है, वहां पे यह कुछ भाग जो है कैसल्स का, वो अभी बचा हुआ है, जिसका फाउंडेशन लगभग आज से 1100 साल पहले रखा गया था, और इस तरह से बनाया गया था, इस तरह से फोर्टिफिकेशन किया गया था, ताकि कोई भी हमला ना हो सके। और यहाँ पे जो भी उन ज़माने में यहाँ पे जिनका शासन रहा होगा, वो इस जगह को प्रोटेक्ट कर सकें आउटसाइड इन्वेडर से। मैं आपको दिखाऊंगा फर्दर ये कैसा है, लेकिन ये यहाँ का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को साइट है, जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। आप देख सकते हो बेसिकली ऑन द टॉप ऑफ द फोर्ट के में हम अभी वॉक कर रहे हैं। आप देखो तो वैली लुक्स लाइक लेक्स फ्रॉम हियर, और जो लग्जमबर्ग की रिवर है वो भी पास होती है नियर बाय। मैं आपको अभी जूम करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ का फाइनेंशियल सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, जहाँ पे काफी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड और यहाँ पे काफ़ी आईटी कंपनी वहाँ लोकेटेड है। ये रिवर एलसेट दिख रहा है, जो बेसिकली साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो करती है। आप देख सकते हैं ये जो फोर्ट रहा होगा उस ज़माने में, इसका जो फोर्टिफिकेशन ऑन द टॉप ऑफ दिस लग्जमबर्ग सिटी पे किया गया, जो सेटलमेंट आप देख सकते हैं वैली में, ये सारे काफ़ी पुरानी बिल्डिंगे हैं, जिनका हो सकता है हिस्ट्री लगभग 200 से 300 साल रहा। मैं अभी इस फोर्ट के दूसरे साइड पे जाऊंगा, और हो सके तो इसके अंदर जाने की हम कोशिश करेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ऑन द अपोजिट साइड आप देख सकते हैं ये ब्रिज दिख रहा है, जो अब रेलवे ब्रिज में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जो आजकल की जो ट्रेन्स हैं, मॉडर्न ट्रेन्स हैं, इस ब्रिज से पार होती हैं। बॉक एंड कैसमेट के ट्रिप के बाद
अब मैं सिटी सेंटर की ओर जा रहा हूँ। ये आर्कियोलॉजिक हिस्ट्री म्यूजियम है। ओपनिंग आवर्स बेसिकली सुबह के 9 बजे से लेकर 6 बजे तक है। आई थिंक ये अब बंद हो चुका है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वी आर टेकिंग साइड वॉक। अभी हम सिटी सेंटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे भी काफ़ी अट्रैक्शन है, वो देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये हमारा एक डे का ट्रिप था, हम फ्रैंकफर्ट से यहाँ लग्जमबर्ग सिटी आए हैं और हमने कोशिश की है कि हम आपको मेन मेन अट्रैक्शन यहाँ के दिखलाएं। क्योंकि हमने उसी समय में जितना भी देख सकना था देख लिया है, अब सिटी सेंटर के अंदर चलते हैं। ये लग्जमबर्ग सिटी का डाउनटाउन एरिया है। बेसिकली यहाँ देख सकते हो आप, काफी सारे स्ट्रीट शॉप्स है, एक तरह का फ्ली मार्केट भी आप कह सकते हो, जहाँ यहाँ पे सोवेनियर्स बिक रहा है। अगर कोई कोई चाहता है कि कुछ बाय करे तो उनसे जरूर कुछ बाय कर सकता है। मैं आपको इसका एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ के डाउनटाउन एरिया का। लग्जमबर्ग सिटी का टूर ख़त्म होता है, वापस हम स्टैचू ऑफ रिमेम्बरेंस के पास खड़े हैं। इसके बाद हम वापस अपने घर को जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जो दर्शक यहाँ पे आना चाहते हैं उनके पास आने का मीडियम है ट्रेन। फ्रैंकफर्ट से ट्रेन लीजिए, दैट विल कॉस्ट यू सम अराउंड 80 यूरोस फॉर एडल्ट एंड आप हाँ बाहर के बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे, या अपने डायरेक्ट कार से भी आ सकते हैं। सिंस ये यूरोपियन यूनियन के अंदर है तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सेंगेन कंट्रीज के अंदर रहते हैं, अगर इस पर में तो आप इजली आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं वापस एक अच्छा व्यू है, सन खिला हुआ है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ मैं ब्लॉग खत्म करता हूँ।